दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों यह कथा बहुत ही सुंदर है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है दो जिद्दी राजा और नदी। आइए कथा श्रवण करें। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था। उसी जंगल में एक महात्मा रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उसी नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े फसाद होते रहते थे। एक बार तो बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था। सो युद्ध तो निश्चित ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल की उस कुटिया में जहां महात्मा रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत दिखती नहीं, आगे ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित तो हुआ, फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गए तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार नहीं मानेंगे। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजय श्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे भी कुछ देर निहारा और कहा कि बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि उसने तो युद्ध जीत ही लिया हो। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थीं और युद्ध का बिगुल बज गया। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और वहीं दूसरी तरफ की सेना एक निश्चिंत मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हमें ही है, तो घबराना कैसा। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल ही निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में ही है, फिर किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ा कर गिर गया, जिससे राजा भी जमीन पर गिर गया और घायल हो गया, और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक बना लिया एवं उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा जी के भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा बदल कैसे गया। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किए कि गुरुवर, आखिर यह कैसे संभव हुआ। महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन, भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देख लो राजन, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्त तैयारी में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो, पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा, फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको कुशल नेतृत्व देते। और हुआ वही जो होना लिखा था, भाग्य नहीं बदला, पर जिसके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने ही अपना व्यक्तित्व बदल लिया, फिर बेचारा भाग्य क्या करता। दोस्तों, भाग्य उस लोहे की तरह वहीं खींचा चला जाता है जहां कर्म का चुंबक हो।
हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हम तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।